निर्वाचन समिति के अध्यक्ष मुखिया जी पराशर आज साहिला पधारे। साहिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं जनसुनवाई का ब्लॉक स्तरीय आयोजन भी हुआ। हमारे साथ है पुखराज जी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी पुखराज जी, बताएं जो आज जनसुनवाई हुई उसकी समस्याओं का निस्तारण कितने टाइम में होगा, क्या है? नहीं, जन समस्याओं की सुनवाई तो हमने कार्यकर्ताओं से जहाँ भी जाते हैं हमेशा जाते हैं। जब कार्यकर्ता अपनी बातें करते हैं, अपने ज्ञापन देते हैं। आज हमने उपखंड स्तरीय जो अधिकारी थे उनके साथ में बैठ के चर्चा की और हमने उनको पहली मीटिंग थी इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई आप लोग अपनी जो जितनी भी समस्याएं आपके पास आती है उसका निस्तारण तय सीमा में हो जाए और उस आदमी को जिसकी एप्लीकेशन आपके पास आई है उसको उसको आप अपनी बात संतुष्ट करें उसको कि अगर हो सकता है ठीक है, नहीं हो सकता है तो उसको भी संतुष्ट करें। कुछ साहिला क्षेत्र की समस्या है, जैसे साहिला में सोनोग्राफी नहीं हॉस्पिटल में, ये बड़ी समस्या है। स्कूल क्या कहता है? देखिए, अब समस्याएं तो ये सब कार्यकर्ताओं ने दी भी है, डिमांड्स भी की है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि साहिला क्षेत्र की हो या कहीं भी किसी भी क्षेत्र की, उस समस्या का समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पर दमकल की व्यवस्था नहीं, आगजनी की बहुत घटनाएं होती है। पिछले दिनों भी आगजनी की घटना हुई थी, उसमें एक मासूम जिंदा जल गया था। काफी समय से ये मांग की जा रही है पर अभी तक दमकल यहाँ हाजिर नहीं। मैं बात करूंगा, आपने ही बताया मेरे को, बाकी तो किसी ने कहा नहीं, लेकिन आपने बताया तो मैं राज्य सरकार तक अपनी बात भी पहुँचाऊंगा और मैं कोशिश करेंगे कि दमकल की व्यवस्था साहिला में भी हो। जो सरकार ने अनार मंडी की घोषणा की उसमें साहिला क्षेत्र आया है, तो पर्टिकुलरली कौन सा स्थान पे ये अनार की मंडी स्थापित होगी, इसके बारे में देखिए ये जो सरकार है ये तय करेगी कि कहाँ लगने से किस तरह से लोगों से राय भी लेंगे, जब साहिला में हो या जीवाड़ा में हो या जहाँ भी हो, तो सब लोगों से राय लेके तय करके और हम लोग तय करेंगे कि क्षेत्र में। यहाँ रोडवेज की जोधपुर अहमदाबाद के लिए सुविधा नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है, इसको लेकर वो भी बात करेंगे। यहाँ पे स्टेट हाईवे पर स्पीड ब्रेकर नहीं है, ऐसे में पिछले दो दिनों में ऐसी घटनाएं हो गई है, दो तीन एक्सीडेंट हो गए हैं। जो पोषणा मैं ये आपने जो बताया है मैं उसको नोट करता हूँ और मैं राज्य सरकार से बात करूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि ये आपकी समस्या बनने के लिए जो सर्वर डाउन होता है लोगों को काफी परेशानी होती है। मैंने यही बात किया उनसे, अभी तहसीलदार जी को मैंने यही कहा, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही, कितने पेंडिंग है, वो रिपोर्ट दे देंगे और हम लोग उस पर। ये थे हमारे साथ अध्यक्ष पुखराज जी पराशर, इन्होंने कहा कि हर संभव हर समस्या का समाधान जल्द ही किया जाएगा। कैमरामैन जताराम के साथ सुखदेव सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, साहिला, जालौर।